नीचे से ऊपर गियर जाते हैं तो आपको 30 पर तीसरा डालना है, इतना लोड मतलब एक्सेस प्रेशर ना हो जाए कि आप बेहोशी हो जाए। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो हम दोनों जो है शाम के 4 बजे निकल पड़े हैं, तो देखो हम लोग कहाँ जाते हैं। तो ये देखो माँ पार्वती मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल आ गए हम लोग। तो गाइस ये देखो ट्रेनिंग स्कूल, और ये देखो सर का क्लास, ऑफिस, ये है सिमुलेटर रूम, यहाँ पे जो टीवी स्क्रीन पे पूरा सिखाया जाता है। और ये आ गए हमारे सर, और ये रही हमारी गाड़ी। तो इसी से जो है सर सिखाएंगे ऑल्टो 800। तो मैं भी बैठ गई हूँ। तो गाइस ये देखो फाइनली हमारे जो नए ड्राइवर साहब है वो भी बैठ गए हैं, और सही में गाड़ी हमारी चल पड़ी है। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि हाँ ये गाड़ी चला रहे हैं। और ये जो है आज जो है इनका 6ठा दिन है, ये 5 दिन से लगातार आ रहे थे और घर आके बोल रहे थे कि मैं चला रहा हूँ, सही से चल रहा है। तो मुझे डाउट था, तो आज जो है मैं इनके साथ आई हूँ और वाकई में ये चला रहे हैं, पर मुझे जो है थोड़ा सा डर लग रहा है। और डर के मारे पसीने से भी मेरा बहुत बुरा हाल हो रहा है। और सच में ये अच्छा चला रहे हैं, अब मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल भी हूँ। और मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा है कि ये इतने अच्छे से चला रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। और ये देखो सर जो है बहुत ही अच्छे से जो है ट्रेंड करते हैं, और छोटी से छोटी चीज़ को समझा समझा के बोलते हैं, बहुत ही अच्छे से जो है क्लास दे रहे हैं। और 5 दिन में जो है काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, और आप लोग भी देख ही रहे हो। तो गाइस जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं कार से रिलेटेड, ड्राइविंग स्कूल या सर के बारे में, जो भी जानकारी आप लोगों को लेनी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो गाइस आप लोग जो है आगे की वीडियो में सुन सकते हैं कि सर एक एक चीज इनको जो है पॉइंट टू पॉइंट कैसे सिखा रहे हैं। जैसे आपने पहला गियर है, जैसे ही आप चले आपकी 20 की स्पीड आ गई, आपने फटाक से फिर दूसरा गियर डाल दिया, फिर थोड़ा सा स्पीड दिया तीसरा गियर डाल दिया, फिर स्पीड दिया चौथा गियर डाल दिया। जैसे हम सिमुलेटर में सिखाते, जैसे ही आपने उसमें सिखाते कि आपको आपने हरा पार किया, नेक्स्ट स्पीड आ जाती, वो इसमें जो आपका लगभग 1500 से 1600 RPM हो जाता है, अब उस पर नेक्स्ट स्पीड आपकी आ जाती है अगले गियर। उसे ये नहीं कि आप दूसरे गियर में 30 तक जा रहे हैं, 40 तक, 30 तक तो जाएंगे, 40 तक जा रहे हैं, वो माइंस में आप पीछे से ऊपर गियर जाते हैं तो आपको 30 पर तीसरा डालना है। मगर जब आप चल रहे हैं तो आप अगर 27-28 भी आ जाएंगे तो आपकी गाड़ी झटके नहीं मार, रोल ऑन में होती है ना वो, तो आपको इतना नहीं प्रॉब्लम। 27-28 तक भी आपको लग रहा है कि हम चलते रहेंगे तो आप गियर मोड़ पर गियर भी नहीं बदलेंगे ना आप ब्रेक लगाएंगे, दो बातें मोड़ पर गियर क्यों नहीं बदलेंगे कि आप इस सर्वे का आदत बनाएं, जैसे ही हमें कोई चीज़ दिख रही है पहले एक्सीलेटर से पैर डाउन करें, चलते रहें, एक्सीलेटर पैर हमने हटाया हमारी गाड़ी कंट्रोल आ गई, चलते कोई ब्रेक की जरूरत नहीं, कोई किसी चीज़ की। तो गाइस ये
देखो मोड़ वगैरह भी रोड में आ रही है, बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, और जितनी भी ट्रैफिक बड़ी गाड़ियाँ वगैरह आ रही है उसमें भी अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं। तो सही में मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा है, तो वाकई में बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी भी है मुझे कि 5 दिन में इतने अच्छे से चला रहे हैं। देखिए बेल्ट को मैं एक चीज़ ये कहती हूँ, मैंने उसमें भी बताया बेल्ट जैसे ये हमारी है ये गलत होती है। हाँ, ये जोड़ नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये वाला ना? हाँ, क्योंकि ये कभी भी टूट गया था क्या? ये चल रहा है। इसमें सबसे पहले एक तो ये चीज़ चेक कर रहे हैं आप, जैसे आपने बेल्ट लगाई ये चलती चली जाएगी, इसको आप हल्का सा झटका देंगे तो ये लॉक हो जाएगी। लॉक हो जाती है, हो जानी चाहिए। अगर ये लॉक नहीं हो रही है तो आपकी बेल्ट आराम से खींच जाएगी, लेकिन झटके पे लॉक हो जाएगी। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी है, आज की जो नई गाड़ियां हैं उनमें सेंसर बहुत लगे हैं। उसमें आप जैसे ही आप आगे जाएंगे आपके चेस्ट पर आपके एक एक्सेस लोड आ जाएगा, वो एक्सेस लोड आपका कम करने के लिए बेल्ट थोड़ी लूज हो जाती है। जबकि एक तरफ हम कह रहे हैं लॉक हो जाती है, मगर इसमें ऐसी प्रॉपर्टी है कि ये इतना लूज जरूर हो जाएगी जो आपके यहाँ पर इतना लोड मतलब एक्सेस प्रेशर ना हो जाए कि आप बेहोशी हो जाए। तो गाइस आज की क्लास जो है हमारी कंप्लीट हो गई है, और अब जाके मेरे सांस पे सांस आई, और अभी फिलहाल निकलते हैं घर। सब लोग आ गए हैं घर, और आज जो है इनका छठा दिन था, 5 दिन से जो है ये लगातार जा रहे थे, और घर आके बोल रहे थे कि मैंने काफ़ी हद तक जो है गाड़ी सीख ली है, पर मुझे जो है बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, पर आज जो है मेरा जो भी डाउट था पूरा क्लियर हो गया है, और बहुत खुशी भी है। और आप लोग देख सकते हो कि 5 दिन के हिसाब से जो है काफ़ी अच्छा ये सीख गए हैं, और मुझे जो है सच बताऊँ तो बहुत खुशी है कि हाँ इनसे जो है काफ़ी हद तक बहुत कुछ इनसे आ गया है, काफ़ी हद तक ये अच्छा चला रहे हैं। तो गाइस आगे भी अगर मुझे कार स्कूल में जाने का मौका मिले तो मैं आगे का भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा तो लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। बाय एंड टेक केयर।